हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास। तो प्यारे दोस्तों, ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आप सब हमारे चैनल से जुड़ जाइए भाई। हमारा चैनल है ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास, जो यूट्यूब पर है, आपको मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, वहाँ पर जा कर के आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें प्यारे दोस्तों, जिससे कि टाइम टू टाइम हम आपको नोटिफिकेशन पहुँचाते रहें। प्यारे दोस्तों, आप सब लोग भाई हमारे क्लास से जुड़ जाइए और हमारे सब्सक्राइबर को दूसरे सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, उनको भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, ये हमारा बेसिक ग्रामर का चौथा पार्ट चल रहा है, और जिसमें अभी तक हमने तीन पार्ट पढ़ चुके हैं बेसिक ग्रामर का। तो प्यारे दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझाया भी था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको डमी सब्जेक्ट क्या होता है। डमी सब्जेक्ट में प्यारे दोस्तों, हमने इट और देयर का यूज बताया, उनका कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं, ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में की हैं। और उसके बाद फिर प्यारे बच्चों, हमने डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे कहते हैं जेरंड और इन्फिनेटिव, उनको बड़े अच्छे से पढ़ा। और जिस बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न हो, वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट डाल दे कि हाँ सर, मुझे इस टॉपिक पे मुझे समझ नहीं आ रहा या प्रॉब्लम है। तो प्यारे बच्चों, मैं कमेंट देखता हूँ और मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो उसके बाद फिर प्यारे बच्चों, मैंने जेरंड और इन्फिनिटिव को कैसे कहाँ यूज किया है ना, ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में पढ़ी। तो आज ये प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं हमारे इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में क्या कुछ खास नया है, वो देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक थोड़ी सी शुरुआत करते हैं जेरंड और इन्फिनिटिव से कि हाँ कहाँ कैसे इनका हम यूज करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ज़रा मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे Dancing is her hobby, है ना दोस्तों। Dancing is her hobby, यानी कि नाचना उसकी आदत है, हैबिट है, ये बातें। प्यारे बच्चों, देखिए हमने जब आपको इन्फिनेटिव और जेरंड बताया, तो उनको मैंने बताया कि ये जो है हमारी वर्बियल नाउन होती हैं, है ना, जो नाउन की जगह पे यूज होती हैं, सब्जेक्ट की जगह पे यूज होती हैं, एज हम इनको वर्ब। डांस हमारी क्रिया ही होती है प्यारे बच्चों, लेकिन हम इनको नाउन की जगह पे यूज करते हैं, तब इनको में हम आईएनजी प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए, और मैंने ये भी बताया था प्यारे दोस्तों कि हम इन्फिनिटिव को किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, जेरंड से, और जेरंड को किससे एक्सचेंज कर सकते हैं, इन्फिनिटिव से। जहाँ इन्फिनिटिव यूज हो सकता है प्यारे बच्चों, वहाँ हम जेरंड का यूज कर सकते हैं, और जहाँ जेरंड का वहाँ इन्फिनिटिव का। ठीक, ज़रा देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू डांस इज हर हॉबी, है ना प्यारे दोस्तों, ये हो गया। जैसे वॉकिंग, दूसरा देख लीजिएगा, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, है ना दोस्तों। अब यहाँ वॉकिंग आ गई, टहलना हमारी क्रिया होती है, लेकिन हम एज अ नाउन यूज किए हैं, जिसको हम वर्बल नाउन कहते हैं, वर्बियल नाउन कहते हैं, क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं प्यारे बच्चों। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ओके डियर,
यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों को, ये हमने कल तक यहाँ पढ़ाया है। उसके बाद ज़रा प्यारे बच्चों इसमें एक रिमार्क करके है, उसको आप नोट करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आए दिन एग्ज़ाम में हमको क्वेश्चन में उलझाता है। ज़रा नोट करिए प्यारे बच्चों, रिमार्क देखिए भाई, ज़रा उसी के आगे, कल तक मैंने जो पढ़ाया है प्यारे बच्चों उसी के आगे डालिएगा रिमार्क, रिमार्क फर्स्ट डालिए प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, रिमार्क फर्स्ट लिखिए भाई। जब जब सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कोई दो कार्य जब सब्जेक्ट के रूप में कोई दो कार्य आए तो दोनों कार्यों का पेयर हमेशा एक समान होता है। पेयर मतलब प्यारे बच्चों जीरेंड का जीरेंड से, इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव से, है ना प्यारे बच्चों। ये देखिए इनको नोट करिए, एक समान होता है अर्थात जीरेंड से और इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव से पेयर बनाया जाता है। नोट करिए प्यारे बच्चों इतना। ठीक, पॉइंट नंबर दो यानी रिमार्क नंबर टू लिखिए ज़रा, रिमार्क नंबर टू लिखिए भाई। जब इन्फिनिटिव, नोट करिए भाई ज़रा, जब वाक्य में दो इन्फिनिटिव, जब वाक्य में दो इन्फिनिटिव आए तो कंजंक्शन के बाद वाला इन्फिनिटिव हमेशा बिना टू के प्रयोग किया जाता है। क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों कि जब वाक्य में दो इन्फिनिटिव आए और दोनों इन्फिनिटिव एंड से जुड़े, यानी कि दो इन्फिनिटिव का मतलब वो सब्जेक्ट की जगह पर आ ही रहे हैं, और सब्जेक्ट की जगह पर जैसे टू डांस एंड टू वॉक, टू डांस एंड लगा करके टू वॉक, यहाँ समझिए प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कह दिया टू डांस एंड टू वॉक,
है ना प्यारे बच्चों। तो मैंने वही बताया कि जब वाक्य में दो इन्फिनेटिव आए आ गया तो कंजंक्शन के बाद वाला इन्फिनेटिव हमेशा बिना टू के प्रयोग किया जाता है, यानी कि कंजंक्शन के बाद वाला इन्फिनेटिव हमेशा विदाउट टू होता है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसका क्या होगा, टू डांस एंड वॉक, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सही होगा, समझ में आया ना। और यहाँ मैंने फर्स्ट वाले में क्या कहा कि सब्जेक्ट के रूप में जब दो कार्य आए, दो कार्य आए तो दोनों कार्यों का पेयर हमेशा एक समान होता है, जेरंड का पेयर जेरंड और इन्फिनेटिव का पेयर इन्फिनेटिव, ठीक है प्यारे। जैसे ये तो हो गया, जैसे एग्जांपल से समझिए प्यारे बच्चों, डांसिंग एंड ड्रिंक, डांसिंग एंड ड्रिंक, ठीक, इज अ मॉडर्न डांस, ठीक। जैसे मैं डांसिंग एंड ड्रिंक इज ए मॉडर्न डांस, तो प्यारे बच्चों ये हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा प्यारे बच्चों, डांसिंग हमारा जेरंड फॉर्म में है, ड्रिंक हमारा सिंपल ये वर्ब है, ना तो जेरंड है ना तो इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म में दिख रहा है। किस फॉर्म में दिख रहा है, इन्फिनेटिव फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि एंड के बाद इन्फिनेटिव हमेशा बिना टू के आता है, तो इसको हम समझ बैठेंगे कि ये हमारा इन्फिनेटिव है। तो प्यारे बच्चों जरा ये बताइए, जेरंड का पेयर जेरंड होगा कि जेरंड का पेयर इन्फिनेटिव होगा। तो प्यारे बच्चों जेरंड का पेयर जेरंड होता है और इन्फिनेटिव का पेयर ए होगा, डांसिंग एंड ड्रिंकिंग इज डॉट डॉट जो भी है। अब जरा इन्फिनेटिव की बात करें तो मैंने आपको बताया इसको लिख सकते हैं टू डांस एंड, तो यहाँ टू ड्रिंक नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, ड्रिंक कर देंगे, ठीक है, बाकी डॉट डॉट जो भी चीज़ें हैं। समझ में आई ना बात, सारी बातें, ये सारी बातें समझ में आई ना प्यारे बच्चों। ये रिमार्क इतना इम्पोर्टेंट है कि आए दिन किसी ना किसी एग्ज़ाम में इसके बेस्ड पर क्वेश्चन हमेशा देता ही रहता है, तो नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, मैं आगे चलता हूँ। चलिए जैसे आप लोगों ने एग्जांपल तो नोट ही कर लिया है ना भाई, और एग्जांपल की ज़रूरत है, ज़रा देख लीजिए, आइए देखिए भाई, देखिए रीडिंग एक्सरसाइज है भाई, रीडिंग एंड टू राइट, टू राइट इज अ गुड हैबिट। प्यारे बच्चों ज़रा बताइए, देखिए सही है गलत है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, पहली बात गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जीरेंड है प्यारे बच्चों और यहाँ इन्फिनेटिव है ना, तो हम यहाँ इसको इस तरह से कर सकते हैं, रीडिंग एंड क्या करेंगे, मान लीजिए हम ये सोचें कि एंड के बाद इन्फिनेटिव हमेशा विदाउट टू आता है, तो हम ये कर दें, राइट आर अ गुड हैबिट, तो ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा गलत हो जाएगा। हम इस तरह से कर सकते हैं,
रीडिंग है ना, एंड राइटिंग आर अ गुड हैबिट, ये भी हो सकता है ना। या तो फिर भाई हम इसको इस हिसाब कर सकते हैं, रीड एंड राइट आर, ये टू रीड, ठीक है पहले बच्चों, टू रीड एंड राइट आर अ गुड हैबिट। अंडरस्टैंड प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें नोट कर लीजिए, ठीक, ये हमारी ऐसे बनती है। चलिए लिखिए। तो भाई हमने आपके सब्जेक्ट के तीनों पार्ट समझा दिए, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आते हैं, सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है क्वालिफायर और मेन वर्ड, हमने क्वालिफायर और मेन वर्ड को समझाया। फिर क्वालिफायर के अंतर्गत हमने आपको तीन बातें बताई, कौन कौन, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज मैंने बताई प्यारे बच्चों, उसको मैंने अच्छे से डिफाइन किया। फिर हम लोग डमी सब्जेक्ट पढ़े, इट और देयर का प्रयोग किए। अब आइए ज़रा बातें करते हैं जो था प्रेडिकेट, किसकी बातें, प्रेडिकेट की बातें करते हैं। प्रेडिकेट, चलिए भाई, प्रेडिकेट जरा इसको समझते क्या है, इसकी जरा, द एम ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक, द एम ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्या कहलाता है, द एम ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि जो सब्जेक्ट का उद्देश्य होगा, सब्जेक्ट का उद्देश्य होगा वही हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। जैसे कि राम खेलता है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, खेलता है हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो प्यारे बच्चों राम का उद्देश्य क्या है, खेलता है, खेलना, तो राम के बारे में ही, जो खेलने के बारे में ही, कौन खेलता है जरा समझिए, तो कौन खेलता है, राम खेलता है। तो राम का उद्देश्य किससे है, खेलने से है। तो जो चीज़ सब्जेक्ट के उद्देश्य जुड़ा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। ज़रा देखिए प्रेडिकेट के हमारे कितने पार्ट होते हैं, इसको हिंदी में लिख लीजिए, कर्ता का उद्देश्य ही, कर्ता का उद्देश्य ही प्रेडिकेट कहलाता है ना। जो हमारा सब्जेक्ट का उद्देश्य होगा वही हमारा प्रेडिकेट होगा, ठीक है भाई। अब प्रेडिकेट को उसके फंक्शन के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है, प्रेडिकेट को उसके फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है भाई। ज़रा गौर करें वो हमारे तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखिए, प्रेडिकेट, ठीक है भाई, इनके हमारे तीन पार्ट हैं, कौन कौन है ज़रा समझिए, कौन कौन हो गए, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और कंप्लीट
स्टेटमेंट हो गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। प्यारे बच्चों ज़रा एक पॉइंट यहाँ नोट करिएगा, कंप्लीमेंट COMPLEMENT, COMPLEMENT, ये दो वर्ड हैं। ऐसे ऐसे वर्ड को प्यारे बच्चों मैंने होमोनिम्स, होमोफोन और कन्फ्यूजल वर्ड का 3-4 पार्ट्स वीडियो मैंने बनाया है, वो जा कर के देख लीजिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए इसको, ये प्यारे बच्चों जो कम्प्लीमेंट आई वाला है COMPLEMENT, इसका मीन्स होता है बधाई देना। क्या देना भाई? बधाई देना। और जो COMPLE वाला है प्यारे बच्चों, ये हमेशा क्या होता है? पूरक, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ आया ये सारी बातें बता दी। तो प्रेडिकेट के हमारे 3 पार्ट हो गए, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, है ना प्यारे बच्चों। जब हम आपको जो है किसी सेंटेंस के 2 पार्ट बता रहे थे, तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आया था ना, तो सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया, सब्जेक्ट मिस करता, अब उसके बाद जो शेष काम आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी क्रिया ही आती है ना, तो समझ लीजिए कि सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी पार्ट होंगे हमारे क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट कहलाएंगे। ठीक प्यारे दोस्तों, तो वर्ब, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, अब हम इनको एक एक करके बढ़िया से समझते हैं। आइए देखते हैं आज तक। चलिए प्यारे बच्चों मैं इनको इरेज करता हूँ, अब समझते हैं एक एक पॉइंट। देखिए वर्ब, पहला क्या हेडिंग डालते हैं? वर्ब। वर्ब क्या है जरा समझिए, वर्ब वर्ब क्या है समझिए, वर्ब इज अ सेइंग वर्ड, वर्ब इज अ सेइंग वर्ड विथ समथिंग सेज समथिंग सेज सब्जेक्ट, है ना दोस्तों, गौर करिए इनको मैं क्या कहता हूँ। वर्ब इज अ सेइंग वर्ड, वर्ब एक ऐसा कथन है, ऐसा वाक्य है, शब्द है जो किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। मैंने जैसे कहा राम खेलता है, राम खेलता है, तो ज़रा हम जैसे ये देखिए प्यारे बच्चों, राम खेलता है। अब हमको ज़रा सब्जेक्ट पता करना है, सब्जेक्ट पता करना है, अब सिर्फ यही है, मैं इसको ऐसे हाइड कर देता हूँ। प्यारे बच्चों ज़रा समझिए कि यहाँ किसका प्रश्न करिए, कौन या किसको का, कौन या किसको का प्रश्न करिए, कौन या किसको का, इस क्रिया में कौन या किसको का प्रश्न करिए ज़रा, तो क्या मिलता है? कौन खेलता है, पता चला राम खेलता है, है ना। तो वर्ब इज अ सेइंग वर्ड, वर्ब एक ऐसा कथन है या शब्द है जो किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। प्यारे बच्चों किसके बारे में बता रहा है ना, कौन खेलता है? राम खेलता है। समझ में आया ना, चलिए जरा इसकी हिंदी लिखिए। देखिए इसकी हिंदी, क्रिया एक कथनवाचक शब्द है,
कथनवाचक शब्द है जो कर्ता के बारे में बताती है, ठीक है दोस्तों, ज़रा गौर करें। ये हो गया हमारे वर्ब, है ना, ज़रा समझिए, भाई, हो गया ना, इतना नोट कर लिए, ठीक। अब ज़रा समझिए, क्रिया का होना तीन प्रकार से होता है, देखिए ज़रा, क्रिया का होना तीन प्रकार से होता है, ना प्यारे बच्चों, क्रिया का होना तीन प्रकार से होता है। पहला, सब्जेक्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट क्या करता है, है ना, सब्जेक्ट पर कैसे होता है, ये सारी बातें हम इनके अंतर्गत सीखते हैं। ज़रा देखिए, क्रिया क्या कहती है, पहला पॉइंट देखिए, क्रिया यह कहती है, सब्जेक्ट क्या करता है, भाई क्रिया यह कहती है कि सब्जेक्ट क्या करता है। हमने कहा राम खेलता है, तो क्रिया ही तो बता रही है कि राम क्या कर रहा है, बता रहा है ना प्यारे दोस्तों, राम खेलता है, ज़रा समझते रहिएगा, राम खेलता है, ठीक। तो अब देखिए, क्रिया खेलता है तो क्या कह रहा, क्रिया यह कहती है सब्जेक्ट क्या करता है, तो सब्जेक्ट क्या करता है, खेलता है, तो क्रिया बता नहीं रही है कि राम क्या करता है, खेलता है, तो क्रिया बता रही है कि राम ही खेलता है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, राम खेल रहा है, क्रिया ही बता रही है प्यारे बच्चे, बता रही कि नहीं, ज़रा गौर करें, है ना, ज़रा देखिए एग्जांपल से इनको समझिए। जैसे मैंने अभी कहा, राम खेलता है, ठीक, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, राम प्लेस, ठीक है भाई, ये राम खेलता है तो पता चल रहा क्या करता है, खेल रहा है। दूसरा देखिए, मैं पढ़ता हूँ, पहला, ज़रा दूसरा देखिए, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है प्यारे दोस्त, अब ज़रा गौर करिए इसके, क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, सब्जेक्ट क्या करता है, ये हमारी कौन बताती है, क्रिया, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खेल रहा है, ना दोस्तों, समझ में आया ना इतनी बातें, ज़रा नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूँ, वह अंग्रेज़ी भाषा पढ़ता है, तो ज़रा सोचिए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, अंग्रेज़ी भाषा पढ़ रहा है, ठीक, सब्जेक्ट क्या कर रहा है,
पढ़ रहा है, मिल रहा है ना। क्रिया ही तो बता रही है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है ना प्यारे बच्चों। देखिए ही रीड्स इंग्लिश लैंग्वेज, ही रीड्स इंग्लिश लैंग्वेज। नोट करिए भाई, इतनी सारी बातें समझ में आ गई। चलिए चलिए भाई, चलिए देखिए। अब ज़रा इसी में एक नोट लिखिए प्यारे बच्चों, इसी में एक नोट लिखिए, नोट बहुत इम्पोर्टेंट नोट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, ज़रा याद करिए नोट। देखिए, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट कार्य करता है तो वह वाक्य हमारा किस कैसा होता है, एक्टिव वॉइस। किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट काम करेगा तो सब्जेक्ट हमारा एक्टिव ही होगा ना प्यारे बच्चों। एक्टिव होगा तभी तो काम करेगा, या फिर वो पैसिव हो जाएगा, निष्क्रिय। जब हमारा सब्जेक्ट काम को करेगा तभी तो वो एक्टिव वॉइस में होगा, है ना, तभी तो वो सक्रिय होगा। तो वाक्य हमारा कैसा हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। जब हमारे सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा तो वो हमारा किस वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस में। थोड़ा सा यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, फिर मैं जब एक्टिव और पैसिव पढ़ाऊँगा तो वहाँ ये सारी बातें आपको रिपीट होंगी और अच्छे से बताएंगे। चलो देखिए क्या कह रहे हैं। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट काम को करता है तो ऐसे वाक्य हमेशा एक्टिव वॉइस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में होते हैं। नोट करिए भाई। चलिए अब ज़रा ये समझिए, ज़रा दूसरा नंबर। पहला नंबर तो ये है, क्रिया क्या करता है, है ना। सब्जेक्ट यह कहता है, क्रिया क्या करता है। अब ज़रा दूसरा समझिए, सब्जेक्ट यह कहता है, मतलब क्रिया यह कहती है सब्जेक्ट पर क्या होता है। दूसरा नंबर, क्रिया यह कहती है सब्जेक्ट पर क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहीं पे वाक्य को पकड़ सकते हैं कि नहीं। मैंने पहले वाले में लिखाया था कि क्रिया यह कहती है कि सब्जेक्ट क्या करता है, यानी कि मैंने पहले वाले वाक्य में ये लिखा है कि सब्जेक्ट क्या करता है ना। तो जब सब्जेक्ट क्या करता है, जब सब्जेक्ट करेगा ही, तो सब्जेक्ट हमारा किस में जाएगा? एक्टिव वॉइस में जाएगा कि नहीं। अब मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, क्रिया यह कहती है कि सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि सब्जेक्ट कर नहीं रहा है, उसके ऊपर हो रहा है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो बेचारा एकदम खा पी के मस्त है, सो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि वो सुस्त है, निष्क्रिय है, पैसिव में है। समझ में आया ना, सब्जेक्ट पर क्या होता है, यानी सब्जेक्ट हमारा जो है वो आराम से सो रहा है, वो निष्क्रिय है। प्यारे बच्चों, इसका नोट हम ज़रूर किस में लिखवाएंगे? पैसिव में लिखवाएंगे, नोट करिएगा अभी। चलिए ये समझ लीजिए, आगे देखिए अब ज़रा।
देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, ज़रा हिंदी से ही समझ लीजिए आगे, मुझे पढ़ाया जाता है ना, मुझे पढ़ाया जाता है, यानी कि हमको पढ़ाया जा रहा है। पढ़ा कौन रहा है? कोई दूसरा, यानी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर काम हो रहा है प्यारे बच्चों, है ना, मेरे ऊपर काम हो रहा है, काम करने वाला कोई और है, पढ़ाने का काम कोई और कर रहा है, तो मुझे पढ़ाया जाता है, काम करने वाला कोई और है। तो ये जो है हमारा, ये जो सब्जेक्ट है, ये निष्क्रिय है प्यारे दोस्तों। कैसा है? निष्क्रिय है, यानी किस में जाएगा? पैसिव वॉइस में। तो ये देखिए, सब्जेक्ट पर क्या होता है, तो सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, क्रिया यह कहती है, पढ़ाया जाता है किसको? मुझे। समझ में आना इतनी बातें? चलिए देखिए, क्या करिए इसको ट्रांसलेट, आई एम टॉट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? इतनी बातें समझ में आई, नोट करिए इनको। दूसरा एग्जांपल, ज़रा दूसरा एग्जांपल देखिए, सभी छात्र ऑफिस में बुलाए जाते हैं। अब देखिए भाई, सभी छात्र ऑफिस में बुलाए जाते हैं, सब्जेक्ट पर क्या होता है? सब क्रिया यह कहती है, सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है? तो क्रिया यह कह रही है कि छात्रों को बुलाया जा रहा है, बुलाने का काम कोई और कर रहा है ना प्यारे दोस्तों, ये तो कर नहीं रहे बुलाने का काम। क्रिया कौन सी हो रही है? बुलाने की क्रिया हो रही है, लेकिन कौन बुला रहा है? छात्र नहीं बुला रहे हैं, कोई अन्य बुला रहा है ना, थर्ड पर्सन कोई बुला रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब ये काम ना करके, ये काम कर ही नहीं रहे, छात्र बुला रहे हैं, ज़रा बताइए, सभी छात्र बुलाए जाते हैं कि सभी छात्र बुला रहे हैं? यदि मैं कह रहा हूँ बुला रहे हैं, तब ये काम करते, अब ये बुलाए जाते हैं, यानी कि किसी और के माध्यम से बुलाए जा रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, है ना, ये काम नहीं कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो ये जो है काम निष्क्रिय है, ये छात्र हमारे निष्क्रिय हैं, लेजी हैं, तो ये पैसिव में बनते हैं। जरा इनको देखिए, ज़रा देखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर कॉल्ड इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, नोट कर लीजिए भाई। चलिए, ज़रा इसके अंतर्गत अब नोट डालिए भाई, नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए। जब किसी वाक्य में कर्ता काम न करके, है ना, यानी कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट पर कार्य होता है, तो जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट पर कार्य होता है, तो इस तरह के वाक्य पैसिव वॉइस में माने जाते हैं, वॉइस में माने जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करिए भाई। चलिए,
अब जरा थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर देखिए भाई। क्रिया यह कहती है सब्जेक्ट क्या है, क्रिया यह कहती है भाई, ये सब क्रिया ही हमारी बता रही है। क्रिया का प्यारे बच्चों बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है, पूरी क्रिया ही टेंस है प्यारे बच्चों हमारी, टेंस जो है पूरी क्रिया है। आप क्रिया को अच्छे से समझ जाइए, पूरा टेंस समझ जाएंगे। जितने भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एक्टिविटी जो होती है वो सारी एक्टिविटी हमारा कौन बताता है, क्रिया ही बताती है, हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। आइए देखिए, क्रिया यह कहती है सब्जेक्ट क्या है, क्रिया यह कहती है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ज़रा देखिए, अब इनको ज़रा समझिए ये क्या कह रहे हैं। अब देखिए भाई, जैसा मैं बताऊं, सभी छात्र ईमानदार हैं, ऐसे एग्जांपल समझिएगा। जैसे मैं कहूं सभी छात्र ईमानदार हैं। समझ में आ रहा है कुछ, ज़रा गौर करिए। तो सभी छात्र, अब क्रिया यह कह रही है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो हमारे छात्र हैं कैसे हैं, ईमानदार हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर honest, या इसको अपराइट भी लिख सकते हैं, अपराइट। जरा इसका एक idiom भी आता है भाई, above the board, जिसका मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदार। एबव द बोर्ड क्या आता है प्यारे बच्चों, एबव द बोर्ड। एक और आता है कौन, फेयर एंड स्क्वायर, ये भी नोट कर लीजिएगा, फेयर एंड स्क्वायर, ये भी होता है ईमानदार। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे idiom होते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स आर honest या अपराइट, दोनों का मतलब होता है ईमानदार। हमने एक idiom लिखा है above the board और fair and square, इसका मतलब भी होता है ईमानदार। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई ना, क्रिया क्या कहती है, क्रिया क्या करती है, क्रिया क्या है, है ना। ये तीन बातें हमने, क्रिया का होना तीन प्रकार से बताया। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़रा देखिए, इसी के आधार पर वर्ब को ज़रा पॉइंट ऐसे बनाकर नोट करिए, इसी के आधार पर वर्ब को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, किया जाता है, कौन कौन से ज़रा नोट करिए, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम क्या कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्यारे बच्चों,
मेन वर्ब या बेस वर्ब, बेस वर्ब, ठीक, ये नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। कैसा लगा आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों, और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। प्यारे बच्चों, आप जो है कंटिन्यू वीडियो तभी पाएंगे जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अब ये जो है, मैं इसके आगे से अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि मेन वर्ब हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तब तक के लिए प्यारे बच्चों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।